किसानों के कल दिल्ली कूच करने को देखते हुए सिरसा प्रशासन ने पंजाब की ओर से सिरसा में प्रवेश के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। डबावाली रोड पर घग्गर पुल के पास में, बरनाला रोड पर गांव मुसाहिब वाला के पास में सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बंद की वजह से आम लोगों को और ट्रांसपोर्ट में लगे हुए वाहन चालक परेशान हैं। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी मंजिल तक आखिर कैसे पहुँचे और किस रास्ते का चुनाव करें। लोगों की इसी परेशानी से पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। एक ही जवाब होता है कि हमें तो ऊपर से आदेश मिले हैं और इसलिए रास्ता भी बंद कर दिया गया है। उधर आज शाम चंडीगढ़ में सरकार व किसान संगठनों के बीच में बैठक भी होनी है ताकि कोई हल निकाला जा सके। विभिन्न किसान संगठनों ने फसलों पर MSP गारंटी कानून बनाने तथा कुछ अन्य मांगों को मनवाने के लिए कल 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया हुआ है। दिल्ली जाने के लिए किसान संगठन अपने स्तर पर तैयारियां करने लगे हुए हैं। उधर सरकार व प्रशासन का भी प्रयास है कि किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर के दिल्ली में न प्रवेश कर पाए। किसानों को रोकने के लिए हर संभव प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। पंजाब के किसान डबावाली रोड पर, बरनाला रोड पर और सिरसा में प्रवेश करते हुए दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए डबावाली रोड पर खेरेका के पास में हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हाईवे पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं, लोहे की तार बिछाई गई है, लोहे की कीलें भी बड़ी बड़ी बनाई गई हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई वाहन अंदर तक न आ पाए। वहीं बीचों बीच से हाईवे को भी खोद दिया गया है। हाईवे बंद करने के बाद सबसे बड़ी परेशानी आम लोगों को ही हो रही है। डबावाली रोड पर डबावाली की तरफ से आने वाले वाहनों को गांव साहूवाला के पास में रोका जा रहा है। जो कि यात्री डबावाली से सिरसा आना चाहते हैं वे साहूवाला से पैदल चलकर घग्गर पुल के पास पहुंचते हैं और घग्गर पुल से ऑटो रिक्शा या अन्य वाहन पकड़ करके वे सिरसा की ओर आ रहे हैं। सरदूलगढ़ की ओर से आने वाले यात्रियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। कई बुजुर्ग यात्री पैदल चल करके लंबा सफ़र तय कर रहे हैं। जब वे घग्गर पुल को पुल के पास में पहुंचते हैं तो पुल पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक होने के कारण उनको पार करना बुजुर्गों के लिए असंभव है। वहीं हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए गिरफ्तारी तक की तैयारी कर ली है। इसके लिए सिरसा में चौधरी दलवीर सिंह इंडोर स्टेडियम में, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबावाली में और टेम्परेरी जेलें बनाई गई हैं। राज्यपाल ने इसके लिए गृह विभाग को प्रस्ताव की मंजूरी भी दे दी है। पिछली बार आंदोलन में केंद्र रहे सिद्धू और टीकरी बॉर्डर पर आज किसी भी समय आवाजाही बंद कर दी जा सकती है और सबसे पहले ट्रक और अन्य मालवाहक गाड़ियों को बंद किया जाएगा। 13 फरवरी यानी मंगलवार को इसे सभी वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान बसें और अन्य वाहन भी बंद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में 26 किसान संगठनों के 13 फरवरी के कूच को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली में भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ट्रैक्टरों ने दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। हथियारों से लेकर के लाठी पत्थर और दिल्ली में ये ले जाने के लिए पूरी तरह से पाबंदी है। वहीं कल के दिल्ली कूच से पहले किसानों की फसल पर MSP गारंटी कानून को लेकर के चंडीगढ़ में शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक भी होनी है। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट।
अंबाला शंभू बॉर्डर टूल टैक्स पूरी तरह बंद। उस तो बाद केंद्र सरकार के नाल 5 बजे गांधी भवन 26 सेक्टर चंडीगढ़ मीटिंग है। असी उम्मीद करते हैं भी साड़ियां मंगां जिहड़ियां मनियां होईयां नूं लागू अज सरकार करे, नहीं तो ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार ने मूँह दिल्ली वालू कर ले ने। लेकिन ये सरकार जिहड़ी BJP की केंद्र की सरकार है ते हरियाणा की BJP सरकार खट्टर सरकार है, इन्होंने एमरजेंसी वर्गे हालात पैदा किए हुए हैं। कल साडे कर्नाटका तो नैशनल लीडर गुरबुरु शांता कुमार जी पूरी अपनी टीम के नाल आ रहे थे, महिला किसान भी नाल सी, ते उन्होंने भोपाल के रोकया गया। पुलिस ने बदतमीजी की, उन्होंने जो पत्नी है धर्मपत्नी के चोटा लगिया सिर के चोट लगी, वह एमरजेंसी दाखिल ने भोपाल के साथियों भोपाल के अरैसट किया हुआ, डिटेन किया हुआ। बहुत सारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसानों जोड़ा है जी फड़ा फड़ाई के सिस्टम चला रखे। असं कहना चाहते हैं खट्टर सरकार को, पहलों भी तुम ठेका लिया किसानों रोकने का, नहीं रोक सके ना तो दीवारा रोक सकिया ना तो कंडिया तारा तो ना ही खड्डे। हुण तुम दोबारा तो फिर इन्ने वे वे पत्थरों के नाल दीवारा करके सीलिंग करके किसानों रोकने का काम कर रहे हो, इंटरनेट सेवावां ठप कीतिया हुई हैं। लेकिन ये किसान ना तो रुकिया सी ना रुकूगा, ये बैरीगेट ये बिल्कुल भी आड़े नहीं होणगे। किसान बिल्कुल जापते च रह के अनुशासन च रह के बिना टकराव के बैरीगेट हटाउंदा होया दिल्ली पहुंचूगा। तो असीं चेतावनी देने इस सरकार नूं भी समय रहिंदे इन्हां एक तरफ से तुसीं गलबात शुरू कर रखी है, सुखावा माहौल कहिंदे चल रहा है, दूसरी तरफ तुसीं भी जिवें एक पूरा बाहर बाहरी देश ने किसी ने अपने देश से हमला करना होवे, तुसीं पंजाब नूं एक इहो जिहा माहौल क्रिएट किया होया। असीं चाहुंदे आ भी इन्हां नूं अपने आप जिहड़े बैरीगेट हटा के किसान अपनी राजधानी दे विच दिल्ली दे विच, क्योंकि सत्ता जिहड़ी दिल्ली तो चलती है, तो अपनियां हक्की मंगां नूं लैके असीं दिल्ली जा रहे हां, तो दिल्ली तो सानूं ना रोकिया जावे। ये हरियाणा की सरकार जिहड़ा हैगा तनावपूर्ण माहौल ना पैदा करे, किसी नूं एमरजेंसी वास्ते भी अगर जाना पैंदा है, किसी की कोई बीमार है उस वास्ते भी रस्ता नहीं छड्डिया गया, कोई पैरल रस्ता भी नहीं छड्डिया गया। इन्ने जिहड़े लिंक रोड ने वो भी बंद कर दिए गए हैं, तो इन्ने हालात खस्ता ने, किसी ने कोई ब्याह छत्ती जाना, बच्चों ने स्कूल जाना, कोई पेपर है, सारा कुछ जिहड़ा हैगा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये हालात अच्छे नहीं है देश वास्ते, अपने किसानों वास्ते, अपने मजदूरों वास्ते, तुसीं इन्ना तसद्दुत जिहड़ा ढा रहे हो, एक एक का हिसाब तुहानूं देना पऊगा।